आज राज्य के आदर्श माध्यमिक पाठशाला बैरागढ़ में दिन के समय बच्चों पर पथराव करने की घटना सामने आई है। बच्चों का कहना है कि दिन के समय वो मैदान की सफाई कर रहे थे तो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जाधारी की पत्नी ने बच्चों पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया, जिसके चलते बच्चों को चोटें भी आई है। बच्चों का कहना है कि बंदूक चलाने की भी धमकी दी गई। फिलहाल आपको बता दें कि स्कूली जमीन पर अवैध कब्जा करने का मामला काफी समय से चला आ रहा है, लेकिन अभी तक इसका परमानेंट हल नहीं हुआ है। फिलहाल लोग प्रशासन से कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी भी समस्या ज्यों की त्यों बनी है। कि हम 1 बजे यहाँ पर सफाई करने खेलने आए थे, लेकिन हमने देखा कि यहाँ ग्राउंड बहुत खराब है, इसलिए हम सफाई करने लगे। और जिन्होंने यहाँ पर कब्जा किया था उनकी वाइफ कहने लगी कि हम आपको बंदूक लेके आऊंगी, और उन्होंने पत्थरबाजी भी शुरू कर दी। हमारी क्लास की एक लड़की को पैर में बहुत लगी है, और हमने यहाँ से स्टेट जोनल लेवल के हमने टूर्नामेंट खेले। फिलहाल प्रशासन के द्वारा पुलिस को मौके पर भेज दिया गया है और मामले की जांच करके पुलिस आगे की कार्यवाही करेगी। फिलहाल SDM चुरहा अपराजिता चंदेल से फोन के माध्यम से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि उनके ध्यान में मामला आया है और पुलिस को भी निर्देश दिए गए हैं कि मामले की उचित तरीके से जांच करें। इसके अलावा अपराजिता चंदेल ने कहा कि अगर बच्चों को चोट पहुंची है तो उनका मेडिकल करवाया जाएगा और हमला करने वालों पर उचित कार्यवाही की जाएगी। आज हमारे यहाँ चमुंडा माता के प्रांगण में हमारी पंचायत में प्रशासन गांव के द्वार पे कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें रिस्पेक्टेड मैडम SDM यहां आए हुए थे, सभी स्टाफ आए हुए थे, प्रधान जी थे, प्रधान जी घुले हमारे साथ, SMC प्रधान जी। यहां पे हमारा कार्यक्रम चला हुआ था, उस पर तभी बीच में यहां हमारा एक खेलने का मैदान है स्कूल का, जहाँ पे बच्चे खेलते थे, वहाँ से कुछ शोर जैसा हुआ, उन्होंने आवाजें हुई और हमें फोन आया कि यहाँ पे कुछ पथराव हो रहा है या कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, लड़के सारे वो दौड़े हुए, चिल्लाने की आवाजें आई। तो हम सभी प्रतिनिधि जो वहाँ थे यहाँ ग्राउंड में आए और यहाँ देखा कि सभी बच्चे जो हैं इन्होंने एक निर्णय लिया हुआ था कि हम इस हमारा खेलने का मैदान है और हम इसको खाली कराना चाहते हैं, यहाँ पे कुछ अवैध कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो इन्होंने खुद ही सबने कहा कि प्रधान जी हम इसको उखाड़ना चाहते हैं, आप हमारा सहयोग। हम सभी प्रतिनिधि आए, हमने देखा कि किसी प्रकार की कोई क्षति न हो और सब ने जो है ये बच्चों ने इसको जो है अपने उससे इकट्ठा होकर एक आवाज के साथ निर्णय लिया कि हम इसको उखाड़ेंगे और इसको प्लान करेंगे। तो आज हम सभी प्रतिनिधि भी इनके साथ थे, किसी प्रकार की कोई अनहोनी न हो हम सभी ने निर्णय लिया और सभी जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं यहाँ बैठे हुए थे और बच्चों ने खुद ये सबको जो है साथ दिया। इसमें कुछ बच्चों को चोटें आई प्रधान साहब, कितने बच्चों को चोटें आई यहाँ पे? बच्चों को चोटें आई है हमारे नॉलेज में नहीं है, मैं थोड़ा पीछे आया था, कितने बच्चों को आई है? लाइफ टाइम्स टीवी के लिए चुरहा से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर, सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।